समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला। राहुल अखिलेश को मंच से सीएम ने कर दी बोलती बंद। योगी के निशाने पर लाल टोपी, अब क्या करेंगे अखिलेश? दरअसल योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी अराजकता और गुंडागर्दी है। इसके साथ ही योगी ने कहा कि जो युवाओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा। इसके अलावा सीएम योगी ने आज कानपुर में 412 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। साथ ही एक तरफ होगा प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार का लक्ष्य भी दिया है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। ऐसे में सीएम योगी खुद प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन करवा रहे हैं। हालांकि इस आयोजन को उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी का दौरा उन जिलों में हो रहा है जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि युवाओं को साधने के लिए सीएम योगी अब खुद ही मोर्चा संभाले हुए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों नौकरियों की बहार है। सरकार नौकरियों के लिए पुलिस भर्ती की परीक्षा भी हो रही है, तो प्राइवेट नौकरियों के लिए रोजगार मेले भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है, खासकर उन जिलों में रोजगार मेला युवाओं को साधने का सबसे बड़ा दाव माना जा रहा है। सीएम योगी न सिर्फ यूपी के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, बल्कि उनके सुनहरे भविष्य की चिंता भी कर रहे हैं। पहले मिल्कीपुर, फिर कटहरी, उसके बाद मुजफ्फरनगर और अब अलीगढ़, जहां पर उपचुनाव होने वाला है, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किए। रोजगार मेले में 5000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वहीं उद्यमियों को 35 करोड़ से ज्यादा का ऋण वितरण किया गया। आपको बता दें कि अलीगढ़ में भी 705 करोड़ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसी दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और 2017 से पहले और बाद का फर्क भी अच्छे से समझा दिया। और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे
बेटियों की इज्जत के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। एक तीसरा दृश्य आपके कन्नौज का देखा है। और बाकी को अगर इतने प्यासों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूँ। माँ गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है। और आज उन्हीं की सौगात लेकर के कानपुर पास आया हुआ हूँ। दरअसल यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसमें से अभी तक सरकार ने 4 सीटों पर रोजगार मेले लगवाए हैं और अगले हफ्ते 4 और सीटों पर रोजगार मेला लगवाया जाएगा, जिसकी कमान मुख्यमंत्री योगी ने खुद संभाल रखी है। आपको बता दें कि इन रोजगार मेलों के जरिए सीएम योगी की उम्मीद है कि वो बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के बनाए माहौल को खत्म कर पाएंगे और उपचुनाव में लोकसभा चुनाव का बदला भी ले सकेंगे। आगे आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जम्मू की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं जम्मू कश्मीर के प्रदेश एसपी अध्यक्ष जियालाल वर्मा शनिवार को लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात भी करेंगे और इसी दिन शनिवार तक टिकट फाइनल होने की उम्मीद भी बताई गई। बताया जा रहा है कि एसपी कठुआ बनी जसरोटा, हीरानगर, सांबा, विजयपुर, आरस, पुंभ सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है।